बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सदपारा को पाक फ़ौज ने ज़िंदा बचा लिया। किस तरह गार में छुपे हुए थे आप खुद देख सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अली सदपारा समेत दीगर दो कोपेमाओं की तलाश में जदीद आलात की मदद से आज दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरी मोहम्मद अली रंदावा के मुताबिक अली सदपारा समेत दीगर दो लापता कोपेमाओं की तलाश आज दोबारा शुरू की गई है। मोहम्मद अली रंदावा ने बताया कि सर्विलेंस तैयारे के जरिए लापता कोपेमाओं को तलाश किया जाएगा। कोपेमाओं की ज़मीनी तलाश के लिए हाई पोर्टर्स भी बेस कैंप में मौजूद हैं। तैयारे में फ्लिर सिस्टम नसब है। इंफ्रारेड रडार टेक्नोलॉजी को लापता अफराद की तलाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब आज की एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये सामने आई है कि कहा जा रहा है कि अली सदपारा को पाक फ़ौज ने रेस्क्यू कर लिया है। ये दावा सामने आया है, अभी तक न्यूज़ में नहीं आया, मगर सोशल मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि अली सदपारा को पाक फ़ौज ने हेलीकॉप्टर की मदद से ढूंढ निकाला। कहा जा रहा है कि अली सदपारा ने बर्फ़ की पहाड़ों में एक गार देख कर उसमें पनाह ले ली थी और वहाँ पर उन्होंने के पास कुछ खाने का बंदोबस्त था जिसकी वजह से वो अब तक ज़िंदा थे। उनकी हालत शदीद तशवीशनाक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनके जिस्म पर ठंड की वजह से इंतहाई बुरे असरात पड़े हैं और उनका इलाज जारी है पाक फौज के ज़ेर एहतमाम अस्पताल में। कहा जा रहा है कि वो बहुत ही जल्द अपनी पहली वाली हालत में आ जाएंगे।